Myself Dr. V.G. Shukla, and in this lecture I discuss some important questions on closed contour integration on closed contour curve C. तो क्लोज कर्व सी में इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में इसी टॉपिक पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कोई क्लोज कर्व सी होगा और उसके अंदर कोई इंटीग्रेशन अगर 0 to π क्लोज सर्किल सी में कोई इंटीग्रेशन 0 to 2π दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पर जो फंक्शन एफ जेड है वो कॉस और साइन का टर्म है, रेशनल फंक्शन है, विच इज फंक्शन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं उसी टाइप में. इवेलुएट 0 to π डी थीटा अपॉन 5 + 4 कॉस थीटा बाई कंटूर इंटीग्रेशन. तो कंटूर इंटीग्रेशन टॉपिक में हम इसको इवेलुएट करेंगे बाई यूजिंग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम. तो कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. इवेल्युएशन ऑफ क्लोज कर्व सी इंटीग्रेशन 0 to 2π. तो 0 to 2π क्लोज सर्किल सी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं. प्रीवियस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और यहाँ पर भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले देखें, यहाँ कह रहा है इवेल्युएट 0 to π डी थीटा अपॉन 5 + 4 कॉस थीटा बाई कंटूर इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले ध्यान रखें कि हमें इंटीग्रेशन जो क्लोज कर्व सी में इंटीग्रेशन करते हैं, सर्किल सी में करते हैं, यूनिट सर्किल मानते हैं, यूनिट सर्किल ऑफ रेडियस 1 एंड हुज सेंटर इज ओरिजिन. तो उस सर्किल के रिस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रेशन होता है, उस सर्किल में इंटीग्रेशन होता है, तो लिमिट 0 to 2π होती है. लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिमिट दे रखी है 0 to π. तो पिछले वाले क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से ये पहले इतनी डिफरेंस है इसमें कि यहाँ पर लिमिट 0 to π दे रखी है. तो सबसे पहले लिमिट 0 to π को हम कन्वर्ट करेंगे लिमिट 0 to 2π में और फिर कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लें कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो देखें जरा सोल्यूशन. कंसीडर द यूनिट सर्किल सी. पहले कोई एक यूनिट सर्किल सी मानते हैं. कंसीडर द यूनिट सर्कल सी सेंटर एट ओरिजिन. ऐसा सर्किल मानते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है, सच दैट मॉड ऑफ जेड बराबर 1. तो ये मॉड ऑफ जेड बराबर 1 ये यूनिट सर्किल सी बनाता है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर दे रखा है. तो ये इस टाइप का सर्किल बना गया. नाउ हमने पहले ही कहा था कि हम सर्किल पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे सर्किल पर इंटीग्रेशन है, तो लिमिट 0 से लेकर 2π तक होंगी क्योंकि सर्किल पूरा जब बनता है तो 0 से स्टार्ट होता है, 2π पर स्टॉप होता है. तो इसको 0 to 2π लिमिट में कन्वर्ट करेंगे. 0 to π डी थीटा अपॉन 5 + 4 कॉस थीटा इट विल कन्वर्ट टू. तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर पाई की जगह जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को. डी थीटा एंड साथ में आ जाएगा 5 + 4 कॉस. अब इसको हम जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास जो कॉस थीटा होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था हमने कि यहां पर लेट ई की पावर आई थीटा बराबर जेड मान लेते हैं. तो डी थीटा बराबर हो जाता है दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड. तो डी थीटा की डी जेड अपॉन आई जेड पुट करते हैं. कॉस थीटा बराबर होता है 1/2 जेड प्लस 1/z और साइन थीटा को यहां कन्वर्ट करते हैं दिस इज इक्वल टू 1/2i जेड माइनस 1/z. तो इस टाइप से हम कन्वर्ट करके थीटा के कोऑर्डिनेट को जेड के कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करना है. तो कॉसी रेजिड्यू थ्योरम के यूज करने के लिए हमें पोल्स निकालने पड़ेंगे और फिर उनको जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और फिर उसको डीजेड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे. तो इसको जेड में, थीटा को जेड में सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए. तो दिस इंप्लाइज दैट 0 to π d थीटा अपॉन 5 + 4
cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2, तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 to 2π बन जाएगा, क्लोज्ड सर्किल, सीरीज टाइप का है, क्लोज सर्किल कंसीडर क्योंकि यहां पर किया गया है, तो क्लोज सर्किल ये सी बन जाएगा, ये मॉड ऑफ जेड बराबर 1 होता है और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, इसी को क्लोज सर्किल सी बोलते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी 1/5 + 4 cos थीटा की ये पुट करें इन फॉर्म ऑफ जेड 1/2 z + 1/z और d थीटा की ये पुट करें dz/iz, 2 से 4 को कैंसिल कर दें तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, वैसे ही रखें इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी, सिंप्लीफिकेशन करें z × z, z² हो जाएगा, पूरे का एलसीएम लेंगे तो अपॉन में जेड आ जाएगा, जेड यहां पर मल्टीप्लाई होके 5z हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा z/2z² + 5z + 2 × dz/iz, जेड से ये जेड कैंसिल कर दें और 1/i कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल दें, तो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π d θ/5 + 4 cos थीटा, इट इज इक्वल्स टू 1/2i इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी 1/2z² + 5z + 2 × dz, तो इस टाइप से हम ये कन्वर्ट कर लेंगे और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1/2i कांस्टेंट है, इससे कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, बेसिकली हमें इस जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी 1/2z² + 5z + 2 dz, इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर राइट हैंड साइड के टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर इस फंक्शन में हम देखें कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके क्योंकि लगाना है, तो सबसे पहले यहां पर फंक्शन देखें कि हमारे पास पोल्स क्या बनते हैं, क्योंकि कॉसी रेसिड्यू थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी fz × dz बराबर होता है 2πi × sum of residue at pole, पोल पर रेसिड्यू का सम, जो भी सर्किल के अंदर हो, विद इन सर्किल सी, जो पोल सर्किल के अंदर सी के अंदर हो उनके रेसिड्यू का सम × 2πi वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो हेयर पहले यहां देख ले कि हेयर fz = अब यहां से सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का स्टार्ट होता है, इसको हम पहले अलग करेंगे, fz की वैल्यू दे रखी 2z² + 5z + 2 और इसको लिख, यहां ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी और इसको पोल के लिए हम लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करेंगे, तो श्रीधराचार्य फार्मूला यहां पर यूज करेंगे, तो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है अगर हमारे पास az² + bz + c = 0 है तो हम उसके लिए लिखते हैं z = -b + -√b² - 4ac/2a, तो सेम फार्मूला यहां पर यूज करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू यहां पर -5 है, तो ये बन जाएगा -5 + -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 - 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 2 है, अपॉन 2 × 2 बन जाएगा, दिस विल इक्वल्स 25 - 16 9 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी -5 + -9/4, तो जेड इक्वल्स टू यहां से निकल के आएगा -9 + 5, यहां 9 का अंडर रूट जब लेंगे तो ये 3 बन जाएगा, -5 + 3 बचेगा -2 − 2/4 − 1/2, -5 − 3 − 8 वैल्यू आ जाएगी -2, देन वी फाइंड जेड की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली है एंड z = -1/2 − 2, तो इसके फैक्टर इस टाइप से बन जाएंगे 2 1 = 2,
तो 2z प्लस का 1, और यहां से अगर इसको इधर ले जाएंगे तो z प्लस 2, तो ये इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। हेंस पोल्स, यहां पर पोल्स निकालें, हेंस पोल्स, पोल के लिए हम क्या करते हैं 2z प्लस 1 फॉर पोल, यहां लिखें सॉरी ये फॉर पोल, पोल्स के लिए हम डिनोमिनेटर टर्म को जीरो कर देते हैं और z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 कामा माइनस 2 आर पोल्स, ये दोनों पोल्स होंगे z इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 कामा माइनस 2। लेकिन हम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम में उन्हीं पोल्स को रेजिड्यू निकालते हैं जो विद इन द सर्किल सी होते हैं, जो सर्किल सी के अंदर लाई करते हैं, क्योंकि सर्किल हमारे पास रेडियस 1 का है, तो z बराबर माइनस 2 पॉइंट बाहर होगा, दिस इज z इक्वल्स टू माइनस 2, और z बराबर माइनस 1 अपॉन 2 विद इन द सर्किल होगा, ये यहां पर कहीं पॉइंट होगा z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। तो विद इन द सर्किल सी z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 सर्किल सी में लाई करेगा, इसलिए हम यहां पर रेजिड्यू केवल z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 के लिए निकालेंगे। हेयर z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 विद इन सर्कल सी सच दैट सर्कल सी, तो z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 ही सर्कल सी के अंदर होगा, इसलिए हम जो रेजिड्यू निकालेंगे वो z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 के लिए ही निकालेंगे, और किसी के लिए हम यहां पर रेजिड्यू नहीं निकालेंगे। तो माइनस 2 के लिए रेजिड्यू हम यहां पर नहीं लेके आ रहे हैं। चलिए अब रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ रेजिड्यू एट, नाउ रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस 1 अपॉन 2 फार्मूला होता है, क्योंकि यहां पर ये जो पोल है ये सिंपल पोल है, सिंपल पोल मीन्स पोल ऑफ ऑर्डर 1, ये हमने बताया था कि सिंपल पोल के रेजिड्यू वाले टॉपिक में कि कैसे निकालते हैं, तो उसमें लिमिट जेड टेंडिंग टू ए लिखते हैं, फिर जेड माइनस ए लिखते हैं, तो जेड माइनस माइनस बन जाएगा जेड प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एफ जेड, एफ जेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन 2, एफ जेड की वैल्यू यहां से लिख लेंगे जो हमारे पास दे रखी है 1 अपॉन 2, यहां से जब कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 2 जेड प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि हमें जेड प्लस 1 अपॉन 2 बनाना था इस टाइप से, तो इसलिए 2 को हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो ये बन गया जेड प्लस 1 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल, और यहां जेड प्लस 2 वैसे ही रहेगा, जेड इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 यहां पर रख दें, तो जब माइनस 1 अपॉन 2 रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 आ जाएगा 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 2 रखेंगे 2, 2 जब 4, 4 माइनस 1 तो आएगा 3 अपॉन 2, वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहां पर जब कैंसिल करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी जेड इक्वल्स टू सॉरी रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, तो ये रेजिड्यू आ जाएगा। इसके बाद हम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें। नाउ फ्रॉम रेजिड्यू थ्योरम या कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, फ्रॉम रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड बराबर होता है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल विद इन सी। ये कहती है कॉसी रेजिड्यू थ्योरम 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल इन विद इन सी। एफ जेड की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी, एफ जेड की वैल्यू आपके पास थी 1 अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस का 5 जेड एंड प्लस का 2 इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू का सम होना चाहिए जो सर्किल के अंदर हो उनका सब का सम, लेकिन सर्किल के अंदर एक ही है हमारे पास सिंगुलरिटी, एक ही पोल है जहां पर जो सर्किल के अंदर है, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3।
तो रिजल्ट आ गया दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन 3। तो वैल्यू आपने निकाल ली, दिस इज 2 पाई आई अपॉन 3। इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2 की वैल्यू आ गई 2 पाई आई अपॉन 3। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 1 अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2dz की, लेकिन हमें चाहिए थी इसकी वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दें, तो फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 0 to pi d theta upon 5 plus 4 cos theta, this is equals to 1 upon 2i into 2 pi i upon 3। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, 2i दोनों आपस में कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई अपॉन 3। और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सिंप्लीफाई करें, ध्यान से सॉल्व करें। अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में डिफरेंस था कि यहां पर लिमिट 0 to pi दे रखी थी, तो हम लिमिट 0 to pi को 0 to 2 pi में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको जेड के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जब ये जेड के फॉर्म में बन जाएगा तो कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले पोल निकालेंगे, पोल एट ओरिजिन निकालेंगे, सॉरी पोल विद इन सर्किल, पोल एट पोल निकालेंगे, फिर रेजिड्यू निकालेंगे विद इन सर्किल सी, उन पॉइंट्स के रेजिड्यू निकालेंगे जो पोल विद इन सर्किल सी लाई कर रहे हैं, और फिर कॉसी रेजिड्यू थ्योरम या लिखे रेजिड्यू थ्योरम से डायरेक्ट यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखें, जरा जरा से चेंजेस हैं, बाकी क्वेश्चन सब एक ही टाइप के हैं और अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो इस वजह से इनको ध्यान से तैयार करें और कायदे से सॉल्व करें। क्वेश्चन एक दे रखा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 pi, इंटीग्रेशन है 0 to 2 pi डी थीटा अपॉन 5 + 4 साइन थीटा। एक्चुअली में कई क्वेश्चन हो चुके थे कॉस थीटा वाले, जो फंक्शन में कॉस थीटा था एफ जेड की जगह, यहां पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं जहां पर एफ जेड की जगह कॉस थीटा की जगह अगर साइन थीटा हो, तो देखें जरा कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लिमिट हमारे पास 0 to 2 pi दे रखा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यह भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर कॉस थीटा की पर साइन थीटा दे रखा है, बस इतना सा चेंज है। देखते हैं इसको और इससे सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, कंसीडर यूनिट सर्किल सी विद सेंटर एट ओरिजिन such that mod of z equals to 1। तो हम एक यूनिट सर्किल C को कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में। एक यूनिट सर्किल यहां पर हम बना रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, बार बार वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको माइंड रखने की जरूरत है। तो यूनिट सर्किल C इस टाइप से कोई हमने बनाया है, ये कोई सर्किल है C, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मॉड ऑफ जेड बराबर 1 है। ये सर्किल की इक्वेशन है, मॉड ऑफ जेड बराबर 1 का मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस यूनिटी है, मींस 1 है। तो हमें कंसीडर द यूनिट सर्किल सी विद सेंटर एट ओरिजिन, मॉड ऑफ जेड बराबर 1। नाउ अब इसको हम फिर वही जेड के फॉर्म में थीटा वाले टर्म्स को 0 to 2 pi को जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम यहां कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 0 to 2 pi डी थीटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू क्लोज्ड कर्व सी 1 upon 5 + 4। और साइन थीटा आप लोग जानते हैं, पहले भी लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1z के फॉर्म में 1 upon 2i z - 1 upon z। तो ये साइन थीटा की वैल्यू होती, वो यहां पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 upon 2i z - 1 upon z।
और डी थीटा ये लिखते हैं डी जेड अपॉन आई जेड। ये सारी चीजें कैसे आई हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। टू से फोर को कैंसिल करें तो यहां पर ये टू आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी जेड इन टू जेड जेड स्क्वायर ये आई जेड बन जाएगा। आई जेड को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आई जेड डिवाइडेड बाय टू जेड स्क्वायर टू इन टू जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर एंड प्लस का फाइव आई जेड और टू वन जेड टू माइनस का टू इन टू डी जेड अपॉन आई जेड। तो यहां से आप देख रहे हैं आई जेड से आई जेड कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वैल्यू जो हमारे पास थीटा में थीटा से जेड में कन्वर्ट हो गया आई इट इज टू पाई डी थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी वन अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस का फाइव आई जेड माइनस टू इन टू डी जेड। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर वन। अब फिर वही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था इसके इसको फंक्शन एफ जेड मान लेंगे और कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। तो कंसीडर हेयर एफ जेड इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस का फाइव आई जेड एंड माइनस का टू फाइव आई जेड और माइनस का टू दिस इज इक्वल टू वन अपॉन। सबसे पहले क्योंकि हमें कॉसी रेसिड्यू थ्योरम के लिए पोल्स निकालने रहते हैं और पोल्स पर रेसिड्यू निकालने रहते हैं तो सबसे पहले इनको लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास दे रखा था लीनियर फैक्टर कन्वर्ट करने के लिए हम बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड का यूज करेंगे। तो मेथड में ये रहता है अगर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो है देन जेड इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए देन इट इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में देखें ए की जगह टू है बी की जगह फाइव आई है सी की जगह माइनस टू है तो माइनस का फाइव आई प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 25 क्योंकि 5 आई का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आई का स्क्वायर माइनस वन तो इसलिए माइनस का 25 माइनस का 4 इंटू टू माइनस का 4 इंटू टू इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू प्लस टू दे रखी। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 16 माइनस का 25 प्लस का 16 माइनस का 25 हो गया माइनस का 9 अंडर रूट में क्योंकि माइनस का 9 अंडर रूट में है तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 आई प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 5 आई एंड प्लस माइनस 3 आई डिवाइडेड बाई 4 तो यहां से जेड की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 5 आई माइनस 3 आई बन जाएगा माइनस का 8 आई तो माइनस का 2 आई और यहां से माइनस का 5 आई एंड प्लस का 3 आई तो बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन 4 तो आ जाएगा माइनस का आई अपॉन 2। तो ये आपके पास जेड की वैल्यू यहां से निकलेंगी। इसके फैक्टर इस टाइप से लिखे जा सकते हैं मीन्स इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2 जेड प्लस का आई एक ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट में होगा जेड प्लस 2 आई तो ये बन जाएगा 2z plus i and z plus 2i। Now, for pole, pole निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम जीरो के बराबर कर देंगे तो 2z plus i and z plus 2i these are equals to zero. This implies that z equals to minus i by 2 comma minus 2i are pole. ये हमारे पास पोल हो जाएंगे लेकिन हमारे पास पहले ही हमने डिस्कस किया है कि 1,0 होता है ये -1,0 होता है ये सर्किल है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 ये ऐसे ही 0 और कामा ये इमेजिनरी एक्सिस है यहां पर तो जेड इक्वल टू ये सॉरी माइनस में वैल्यू है तो इसलिए निगेटिव पार्ट में आएगा यहां पर एक जेड इक्वल टू आ जाएगा माइनस का आई बाई 2 और एक ये जेड इक्वल टू माइनस का 2i जो होगा ये सर्किल के बाहर हो जाएगा क्योंकि विद इन सर्किल एक ही पोल लाई कर रहा है जेड इक्वल टू माइनस आई बाई 2 इसलिए हम जेड इक्वल टू माइनस आई बाई 2 के लिए ही रेजिड्यू निकालेंगे जेड इक्वल टू माइनस 2i के लिए रेजिड्यू नहीं निकालेंगे। सिंस
z equals to minus I by 2 lies within C. ये C है, इसके अंदर z equals to minus I by 2 lie कर रहा है, इसलिए residue at z equals to minus I by 2, this is equals to limit z tending to minus I by 2, z plus I by 2 into fz. fz की वैल्यू यहां से यहां पर पुट कर दें तो रेजिड्यू आप निकाल लेंगे. तो जरा देखते हैं, fz की वैल्यू पुट करते हैं और फिर रेजिड्यू निकालते हैं. तो दिस इंप्लाइज दैट इट इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू माइनस I by 2 एंड z प्लस I by 2. fz की वैल्यू हमारे पास ये थी 1 अपॉन, लेकिन I by 2 टाइप का टर्म बनाने के लिए यहां पर 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2z प्लस I by 2 और साथ में z प्लस 2i भी लिख सकते हैं. z प्लस I by 2 से z प्लस I by 2 कैंसिल, माइनस I by 2 यहां पर रखेंगे तो 2 या 4 वैल्यू आ जाएगी. माइनस I by 2 रखेंगे तो माइनस का 4i और सॉरी प्लस का 4i माइनस का i, तो प्लस का 4i माइनस का i आ जाएगा, प्लस का 3i, 2 से 2 कैंसिल. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3i. तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू माइनस I by 2, दिस इज 1 अपॉन 3i, तो वैल्यू 1 अपॉन 3i के बराबर आ जाएगी. नाउ फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम अब कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें. रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड बराबर होता है 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल विद इन सर्किल सी. सर्किल सी के अंदर जो रेजिड्यू है उन रेजिड्यू का सम इंटू 2πi, तो आ जाएगा 2πi इंटू 1/3i. आई से आई कैंसिल, तो एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन क्लोज कर्व. एफ जेड हमारे पास था 1/2z² प्लस का 5iz माइनस का 2 इंटू डी जेड और ये वैल्यू हो गई 2π/3. तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2π/3. इस टर्म को हमने निकाल लिया है इक्वेशन नंबर 1 में. अगर ये वैल्यू इसकी रख दें तो इंटीग्रेशन 0 to 2πi की आ जाएगी फ्रॉम 1. तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन 0 to 2π d θ/5 + 4 sin θ दिस इज इक्वल्स टू 2π/3, क्योंकि राइट साइड की वैल्यू हमने 2π/3 निकाल ली थी, इसलिए ये रिजल्ट आ गया 2π/3 और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा. तो सेम क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टाइप से सॉल्व भी होते हैं. बस थोड़ा ध्यान से आपको कैलकुलेट करना है, चाहे साइन दे रखा हो चाहे कॉस दे रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन बस सिंप्लीफाई करने. एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से और उसे सॉल्व करते हैं. 0 to 2π इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2π और इंटीग्रेशन दे रखा है cos 2θ अपॉन 5 + 4 cos θ d θ. तो cos 2θ अपॉन 5 + 4 cos θ d θ बाय कंटूर इंटीग्रेशन. देखिए, अगर आप कायदे से सिस्टम समझ गए हैं, कंटूर इंटीग्रेशन समझ गए हैं और इस प्रोसेस को समझ गए हैं, तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी आपके पास फंक्शन दे रखा हो इजीली सॉल्व हो जाता है. जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है cos 2θ, डिनोमिनेटर में दे रखा है 5 + 4 cos θ. ये cos 2θ है तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं cos 2θ और ये हो जाएगा cos 2θ. तो cos 2θ और डिनोमिनेटर में है cos θ, तो डिनोमिनेटर में cos θ है. इसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, सेम वही प्रोसेस है. तो देखें जरा सॉल्यूशन. कंसीडर
फिर से वही कंसीडर द सर्किल, कंसीडर द यूनिट सर्किल सी सच दैट मॉड ऑफ जेड बराबर वन, मीन्स ऐसा यूनिट सर्किल कंसीडर कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस वन दे रखी है। यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि यहां न्यूमरेटर में कॉस टू थीटा दे रखा है, एक्चुअली में हम मानते हैं ई की पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई की पावर टू आई थीटा हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस का आई साइन टू थीटा। ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ ई की पावर टू आई थीटा, तो इसको लिखें यहां पर। हेंस अभी जेड में कन्वर्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये न्यूमरेटर के कॉस टू थीटा वाले टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो जीरो टू टू पाई कॉस टू थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा डी थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू रियल पार्ट ऑफ जीरो टू टू पाई और कॉस टू थीटा ये रखते हैं e की पावर टू आई थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा डी थीटा, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ e की पावर टू आई थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। यहां पर देखिए जरा ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि रियल पार्ट ऑफ e की पावर टू आई थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस टू सॉरी कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा ये हमने लिख दिया e की पावर टू आई थीटा ऑफ रियल पार्ट, जिसका रियल पार्ट है ये। नाउ अब आप देखें जरा इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई कॉस टू थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू रियल पार्ट ऑफ, हमें बेसिकली थीटा को अब जेड में कन्वर्ट करना है, तो इसको जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज क्लोज्ड कर्व सी ई की पावर आई थीटा हम मानते थे जेड के बराबर, ये वैल्यू हम मानते थे जेड के बराबर प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया, तो ई की पावर टू आई थीटा हो जाएगा जेड स्क्वायर के बराबर, तो टू आई थीटा को पर लिख लें जेड स्क्वायर अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा की वैल्यू जेड में जब कन्वर्ट करेंगे तो वन अपॉन टू जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड और डी थीटा के पर डी जेड अपॉन आई जेड हो जाएगा, तो ये डी जेड अपॉन आई जेड बन गया। सिंप्लीफाई करें टू टू जा फोर बन जाएगा, तो यहां पर टू आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें इसको, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ क्लोज्ड कर्व सी जेड स्क्वायर इंटू यहां से जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस वन और जेड यहां से कॉमन होगा डिनोमिनेटर में जेड फाइव जेड होगा और ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में जेड इंटू टू जेड स्क्वायर एंड प्लस का फाइव जेड एंड प्लस का टू इंटू डी जेड अपॉन आई जेड, यहां से डी जेड अपॉन आई जेड से जेड जेड कैंसिल कर दें, वन अपॉन आई कॉन्स्टेंट है तो वन अपॉन आई यहां से कॉमन लेकर बाहर निकाल दें, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई कॉस टू थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन आई, क्योंकि आई को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी जेड स्क्वायर अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस का फाइव जेड एंड प्लस का टू इंटू डी जेड, इसको लिख लें इक्वेशन नंबर वन। फिर से वही सेम वही प्रोसेस है, यहां पर हम रेजिड्यू कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे और कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके हम इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट को सॉरी राइट हैंड साइड के पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब राइट हैंड साइड के पार्ट को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन ऑलरेडी निकल आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखें जरा हेयर एफ जेड इक्वल्स टू, हेयर एफ जेड इक्वल्स टू दे रखा है जेड स्क्वायर अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस का फाइव जेड एंड प्लस का टू, इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस टू के हम लोगों ने अभी फैक्टर निकाले हैं बाय श्रीधराचार्य फार्मूले से, अगर आप निकालें
तो ये z इक्वल्स टू आएगा माइनस बी, तो आएगा माइनस फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस फोर इंटू टू इंटू टू अपॉन टू इंटू टू, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू कामा माइनस टू, तो माइनस वन अपॉन टू कामा माइनस टू आएगी जेड की वैल्यू, जिसको लिखा जा सकता है टू जेड प्लस वन और साथ में जेड प्लस टू। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, इसके लीनियर फैक्टर को ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर हम पोल निकालेंगे, तो फॉर पोल बेसिक हम वो पोल निकालेंगे जो सर्किल के अंदर लाई कर रहे हो, तो पोल के लिए 2z प्लस 1 एंड z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो z इक्वल्स टू आएगा माइनस 1 अपॉन 2 कामा माइनस 2, इन विच वेयर z इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 विद इन सर्कल सी, जो कि जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू सर्कल सी के अंदर होगा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि यूनिट सर्किल है, यहां पर यूनिट सर्किल कंसीडर किया गया है, यूनिट सर्किल ऑफ रेडियस वन, तो माइनस टू बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब रेजिड्यू निकालेंगे, एट हेंस रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस वन अपॉन टू इन टू एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू पुट करें तो लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस वन अपॉन टू इन टू एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन, यहां पर टू कॉमन ले लें क्योंकि जेड प्लस वन अपॉन टू बनाना है, तो टू को बाहर करें, जेड प्लस वन अपॉन टू यहां से और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा जेड प्लस टू, जेड प्लस वन अपॉन टू से जेड प्लस वन अपॉन टू कैंसिल, यहां पर जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रखेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा वन अपॉन फोर, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का वन अपॉन फोर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा टू और माइनस वन अपॉन टू प्लस टू, टू टू जब फोर माइनस वन तो बन जाएगा थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल तो आएगा वन अपॉन ट्वेल्व, तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू आ गया वन अपॉइंट ट्वेल्व। अब कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें, तो फ्रॉम रेजिड्यू थ्योरम का जो यूज करेंगे, तो रेजिड्यू थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एफ जेड इंटू डी जेड बराबर हो जाता है टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, तो सम ऑफ रेजिड्यू यहां निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही रेजिड्यू निकला है, सम ऑफ रेजिड्यू, तो एक ही रेजिड्यू आया है तो इसलिए वहां पर सम की कोई जरूरत ही नहीं होगी, इसलिए इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी और यहां एफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस का फाइव जेड प्लस का टू इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल टू टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, यहां पर 1 अपॉन 12 था रेजिड्यू, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी पाई आई अपॉन 6, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें पाई आई अपॉन 6, तो यहां पर लिखें फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos 2 theta d theta upon 5 plus 4 cos theta, this is equals to real part लिखना है, real part of 1 upon i into pi i upon 6, तो इसका real part ही लेना था, तो i से i already cancel हो गया, तो real part ही बचा है and this is equals to पाई बाई सिक्स, तो जो वैल्यू आई है वो पाई बाई सिक्स के बराबर आई, क्योंकि ये पाई बाई सिक्स के बराबर है, इसलिए यही हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, इसी टाइप से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और अक्सर इनमें से पूछ लिए जाते हैं तो इस वजह से इनको कायदे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।